ये आप देख सकते हो पानी, ओह माय गॉड क्रिस्टल क्लियर ये है व्यू। अभी यहाँ पे हमने एक सीनिक ब्यूटी मिला, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं नज़ारे। और आप मेरे पीछे देख सकते हो जब ब्यूटी है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो होके आ रहा है, ये दूसरी साइड से रिवर फ्लो होके आ रहा है और ये जाके जुड़ होगा ब्राउनवाटर रिवर पे। थैंक यू। आज ये ट्रेडिशनल खाना खाने को मिल रहा है, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बंजारा गाय। और आज मैं जा रहा हूँ फिर से अरुणाचल प्रदेश और मैं जा रहा हूँ पासीघाट। हेलो वर्क, हाय एम दोगन, हाय एम। सो ये पापा है, तो पापा के साथ थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्रेंस है पापा का, तो पापा को लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाएंगे नया लोकेशंस। और आज मैं जा रहा हूँ पासीघाट करके एक जगह है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बॉर्डर पर। मेरे घर से है करीबन 200 किलोमीटर और मैं ड्राइव करके निकल जा रहा हूँ अभी। ये जो अभी देख रहे हो ये अरुणाचल का रोड्स है और काफ़ी सुंदर है एंड बॉडी क्लीन है और कचरा वचरा कुछ है नहीं, और ड्राइव करके आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं अंदर की तरफ रोड कैसा होगा, अभी हम लोग को लैंडस्लाइड एरिया पे भी गो थ्रू करना पड़ेगा, वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। सब आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा देर, और पहाड़ कैसा दिखता है, देखो पहाड़ का पानी जो है। और ये जो मेरा पीछे आप देख रहे हो ये पानी जो है ये सीधा आ रहा है चाइना से और ये जाके मिलेगा ब्राउनवाटर रिवर पे। तो ये है नज़ारा और वो रहा माउंटेन्स, पानी सूख गया और ये जाके ब्राउनवाटर में कनेक्ट होगा। उस साइड पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज है और यहाँ से पत्थर उठा के हम लोग को देते हैं घर बनाने के लिए। तो ये नज़ारा, दैट्स द माउंटेन। और नवंबर महीने में हम लोग उस साइड जाएंगे, उस पहाड़ को क्रॉस करके चाइना बॉर्डर जाएंगे। सो गाइस, आज का ट्रिप में आप लोग को देखने को मिलेगा नया लोकेशन, देर इज़ अ पासीघाट और वहाँ पे कोई विलेज है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो पापा को मैं लेके जा रहा हूँ, ड्राइव करके लेके जा रहा हूँ। हम लोग माउंटेन्स की तरफ जा रहा है और माउंटेन्स के थ्रू होके ही जाएंगे दूसरी जगह, और आपको यहाँ पे देख के अच्छा लगेगा। और एक जगह है बाम्बू करके, जहाँ पे आपको ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर या दिसंबर, और पूरे गांव में ऑरेंज ही आपको मिलेगा। अभी हम लोग बाम्बू विलेज आ गया, तो पहाड़ के ऊपर जो देख रहे हो वो रिजॉर्ट बन रहा है और वहाँ पे ऑरेंज सबको मिलेगा, पूरा का पूरा जो वैली जो है ऑरेंज से भरा पड़ा है। सो अभी से पहाड़ वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे बहुत सारा कार्ड बाबू मिलेगा, तो मैं कैमरा जो है पापा को दे देता हूँ, वो हैंडल करेगा अभी से। अभी जंगल वाला रास्ता को हम क्रॉस करके जा रहा है, जंगली जंगल है एंड बीच में कोई गांव वाँव कुछ नहीं है, तो एक तरफ पूरा गांव क्रॉस करने के ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर से आ गया मतलब पूरा जंगल। और ये स्ट्रेस कम से कम 20 या 30 किलोमीटर का जंगल है, उसके बाद ही मतलब नेक्स्ट गांव मिलेगा।
वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है, तो इसलिए रास्ता जो है इस तरह से हमें जाना पड़ रहा है, तो लैंडस्लाइड एरिया से गुजर के जाना पड़ रहा है। तो यही एक दिक्कत है, बारिश होने से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे लैंडस्लाइड काफ़ी होते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक सीनिक ब्यूटी मिला, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं नज़ारे। और आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या ब्यूटी है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो होके आ रहा है, ये दूसरी साइड से रिवर फ्लो होके आ रहा है और ये जाके जोहिन होगा ब्राउटर रिवर पे। दिस सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रहा है सुबह सुबह और टाइम हो रखा है 7:30। डॉगी डॉगी, ओह माय गॉड, यहाँ पे फिर से ये लैंडस्लाइड होने वाला है, देखो। अरे बारिश का मौसम है ना, गीला हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से टूटना स्टार्ट हो गया। और ये है आपका नज़ारा, और हमें ये पहाड़ को क्लाइम करके पहाड़ के पीछे जाना है। ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, यहाँ से पत्थर गिर के आता है और ये ऑलरेडी गिरा हुआ है और यहाँ से गिर के पूरा नीचे की तरफ जाता है। सो यहाँ पे है लेयर्स ऑफ माउंटेन, मतलब वैली है, एक्चुअली ये एक बड़ा सा वैली है। तो समर टाइम में ये सारा में पानी भर जाता है, इसमें पूरा पानी भर जाता है। वाटर फ्लो जो है काफ़ी तेज है और आपको दिखाएंगे ब्लू वाटर। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा ब्लू ग्रीन लग रहा है। अभी आपको मैक्सिमम ब्लॉक जो है अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। और ये ईटानगर जा रहा है, रास्ता ख़राब है फिर भी जा रहा है। यह है ट्रांसपोर्ट, छोटा है। कैसा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश? अच्छा, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, बहुत सुंदर है, सुंदर है, बढ़िया। सो ये ड्रेस जो पहना हुआ, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, सो जैकेट, इसको लोकल जैकेट बोलते हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थानी जैकेट मिलता है, तो यहाँ पे भी लोकल जैकेट यहाँ का है। इस ओह माय गुडनेस, व्यू देखो कितना प्यारा है, और वो सन निकल के आ रहा है। और मैंने आपको उस तरफ से आपको व्यू दिखाया था, और अभी का व्यू जो है ये आप देख सकते हो पानी, ओह माय गॉड क्रिस्टल क्लियर, ये है व्यू। वाटरफॉल है, यहाँ से पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है, और ये देखो नज़ारा, व्हाट्स द व्यू, डीप है इसलिए पूरा ग्रीन ब्लू दिख रहा है। सो गाइस, आपको ये व्यू देख के कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ का जो फ्रेश एयर है, इट्स लाइक यू नो मैजिक। और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका व्यू देख के, और पानी सबसे प्यारा जो है पानी लग रहा है। कितने स्पीड से बह रहा है ये, मतलब द वाटर फ्लो इज़ वेरी स्पीड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, पत्थर आप देख सकते हो अंदर का जो पत्थर है, और कितना क्लियर है पानी जो है, बिल्कुल ये बर्फ मेल्ट होके आ रहा है। मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, जाना पड़ेगा अभी। सो आगे जो है इस तरह का और ब्यूटी आने वाला है, और कहाँ कहाँ पर आता है अभी देखते हैं, एंड यू विल इन्जॉय द व्यू। और आप बने रहिए मेरा ब्लॉग पर। अभी जो है कम से कम 15 किलोमीटर का जंगल एरिया था, उसको फुल स्पीड में क्रॉस कर लिया, और लैंडस्लाइड एरिया भी था, और पहाड़ एरिया था तो उसको थोड़ा सा जल्दी क्रॉस कर लिया, बिकॉज कब पत्थर गिर जाए कोई पता नहीं चलता है। और मौसम जो है पूरा बादल सा हो रखा है, और अभी एक ब्रिज मिल गया, एक छोटा सा स्ट्रीम है यहाँ पर, और ये भी कोई पहाड़ से बर्फ मेल्ट होके आ रहा है। सो अभी जो है आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, और हम लोग ऊपर की तरफ है ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पे इस तरफ पूरा नदी है और इस तरफ पूरा पहाड़ है, तो ये रास्ता को पूरा फॉलो करके जाएंगे और ये बड़ा होके निकल के आएगा। अभी कम से कम 1 घंटे का जर्नी है यहाँ पे, तो रास्ता खाली है, तो यू कैन फ्लाई।
मैं लगा था शॉर्टकट रास्ता सही है, बट रास्ता जो है पूरा ऑफ रोड ही है एंड स्ट्रीम, छोटे छोटे स्ट्रीम्स क्रॉस करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रास्ता। ऊपर जा ही नहीं रहे गाड़ी, पूरा रास्ता भी इतना खराब है। सो ये है मारेम विलेज, पता नहीं कहाँ है। फाइनली आ गया लोकेशन पे, बहुत ही ख़राब रास्ता है, अभी डिटोर करना पड़ेगा लौटते समय। तो यहाँ पे आज कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इसी कॉन्फ्रेंस के लिए पापा आया हुआ है। अभी फ़िलहाल पापा अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहा है, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गया, तो तब तक आसपास नज़ारा देखते हैं क्या है। रोज फ्लावर्स, छोटू सा घर है शायद, ये मार्केट हुआ होता होगा। ये है सुपारी का प्लांट, ये वाला जो पत्ता है ये पहाड़ों पे ही पाया जाता है। सो दिस आर लीव्स, एक्चुअली क्या है ये पूरा लीव्स है, ट्री का लीव्स है। सो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लिया अभी। आई लव दिस लोकेशन, नॉट बैड। सो यहाँ पे मैं चिल करूंगा अभी। सो अभी ये कॉन्फ्रेंस चालू हो गया और बाकी लोग आगे बैठा हुआ है, मैं पीछे बैठ गया। कम से कम एक घंटा जैसे बैठ गया, बोर लग गया, सो उठ के आ गया। सो यहाँ पे आते समय मैंने एक स्ट्रीम देखा था, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। सो ये है व्यू, और यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा डाइवर्जन कर रहा है देखिए, और यहाँ पे मतलब इरोशन को बचाने के लिए वो लोग किस काम चल रहा है। नॉट बैड, बहुत ही ठंडा है, ठंडा पानी है, ग्लेशियर मेल्ट होके आया है ये पानी, सो इट्स सो नाइस। सर जब आया था ये वाला स्ट्रीम क्रॉस करके आया था, तो बिना जूता गीला करते हुए मुझे इसको क्रॉस करना है, तो क्रॉस तो कर पाएगा, देखते हैं। अभी मैं निकला थोड़ा गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, तो काफ़ी मतलब मिट्टी मिट्टी वाला एरिया है, और इसके बाद क्या है कि आपको स्ट्रीम क्रॉस करके जाना है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कुछ होगा। वाओ, अच्छा ये आगे जाके कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसा तो जा सके लेकिन शूज गीला हो जाएगा इसमें।
ओपन मतलब खेत है, सो क्योंकि स्पेस चाहिए होता है तो इसलिए वो लोग खेत पे ही मतलब ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं, ना घर है ना कुछ है। आपदा थैंक यू। आज ये ट्रेडिशनल खाना खाने को मिल रहा है, थैंक यू। अभी हम लोग ने खाना खा लिया और यहाँ पे खाने के लिए दिया था ओसो। ओसो का मतलब है बफेलो, वाइल्ड बफेलो। तो यहाँ पे ट्रेडिशन है अरुणाचल प्रदेश में वाइल्ड बफेलो को खाना। तो यहाँ से निकलते हैं, सनसेट होने वाला है एंड टाइम हो चुका है 2:30 और आज धूप है बहुत। ये है सियांग रिवर और ये जाके ब्राउन वाटर पे मिलेगा अभी। सो अभी जो है मैं सियांग रिवर के ऊपर हूँ और थोड़ी हवा खा लेते हैं, इसके बाद नॉन स्टॉप ट्रेवल करना है, जो जंगल वाला रास्ता है उसको ट्रेवल करके जाना है जल्दी से जल्दी। सो कोशिश करेंगे यहाँ से जितना जल्दी हो सके। सो यहाँ पे आपको देख सकते हो रिवर जो है काफ़ी बड़ा है, चौड़ाई में देखो कितना चौड़ा है और ये पानी आता है, ये भी पता नहीं कहाँ से आता है, चाइना से आता होगा। एंड लोग यहाँ पे कुछ बैठा हुआ है पिकनिक खा रहा है, दिस इज़ अ नाइस प्लेस। अभी महबो करके एक विलेज है वहाँ रुकेंगे और उसके आगे आपको ले चलेंगे। तो अभी 95 किलोमीटर्स रह गया, तो 95 किलोमीटर्स में से कम जो 40 किलोमीटर है वो पूरा जंगल एरिया है और यहाँ पर क्या होता है कि वाइल्ड एलिफेंट्स निकल के आते हैं क्योंकि पूरा घने जंगल है और लैंडस्लाइड एरिया है। ये अरुणाचल वाला गांव है, ये घर जो है ऐसे बना के रखा हुआ है। सो पापा जो है इसका कोई पुराना वाला दोस्त है, उसका घर आया मिलने के लिए। तो घर जो है ये है, रोड जो है पूरा पतला रोड है और जंगल है पूरा, ये देखो पतला सा रोड है और पूरा जंगल है और सनसेट हो गया है। ये है अरुणाचल स्टाइल का घर, एक्चुअल गांव का। सो ऐसे गांव में घूम के अच्छा लग रहा है, सुनसान गांव है, कोई मतलब क्या बोले, कोई हल्ला उल्ला नहीं है, कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है, पूरा इंटीरियर विलेज है यार। किसी दिन आएंगे, ये पापा के रिश्तेदार का मतलब घर है और पुराना दोस्त है, रिश्तेदार भी लगता है, तो इसमें कभी फिर आएंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, बढ़िया लगेगा आपको। और जगह का नाम है महबो विलेज से 9 किलोमीटर अंदर घुस के आया। सो अभी निकलते हैं वापस, चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम घर आ गया, 6:30 हो गया टाइम और बहुत ही थक गया एंड मतलब रास्ता जो है बहुत थकान था और जंगल वाला रास्ता को हमने क्रॉस कर लिया। सो गाइस आज ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द बंजारा गाय और ले चलते हैं आपको कोई नए ब्लॉग में।